अभी एक जगह खड़े हो जाएं, आप अपनी आंखें बंद कर लें, पैरों से जूते निकाल लें, आंखें बंद करके पूरा ध्यान जहां पर आपको गले में तकलीफ है वहां पर ध्यान लेकर जाएं। ओम तरकास कर दूँगा, ओम राज कर, अपनी आंखें खोलें, थोड़ा पानी पिएं, हाँ पानी पीने के बाद मुझे एक घंटे बाद आप वापस फोन लगा के अपना स्थिति बताएं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ब्लेसिंग्स टू यू। मिश्रा जी, स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है और इसे कैसे करते हैं? स्पिरिचुअल हीलिंग जितना आप मैं उस सही प्रकार से मैं भी हूं, उस खोज में हूं कि स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है। मेरा यह मानना है, अष्टवक्र गीता में भी लिखा है कि ऑल इज हैपनिंग, सब हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है, नोबडी इज डूइंग। तो सब कुछ हो रहा है, किसका दुख, किसकी तकलीफ है, किसके माध्यम से दूर होना है, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मैं बच्चा हीलिंग का प्रश्न किया, हीलिंग क्या है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता जब तक ये अनुभव की स्तर की चीज है। अनुभव के आधार पर जैसे मैं कहूँ आपको ठंडी हवा, तो जब तक आपके शरीर को स्पर्श नहीं करेगी आप उसको बयान नहीं कर सकते। तो एक अनुभव की बात है जहां तक मेरा व्यक्ति का सोचना है। हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग रोज कितना समय देते हैं आप इसको? देखिए, मैं पेशे से तो मैं भारतीय जीवन निगम में कार्यरत हूँ, इंदौर शहर में शासकीय कर्मचारी एक में। सामान्यतः मेरा कार्यकालीन समय ऑफिस का 5:15 तक रहता है। 5:15 बजे 6 बजे मैं घर पहुँचता हूँ, 5:30 बजे घर पहुँचता हूँ, आधा घंटा पत्नी से चाय पी के मैं 6 बजे से रात्रि 2 बजे तक मैं कंटिन्यू हीलिंग देता हूँ। मैं नहीं देता, कोई शक्ति मुझसे दिलवाती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति विश्वास से, इस प्रकार हम भगवान पत्थर को देख के भी हम भगवान मानते हैं, और अगर हमारा विश्वास ही उसे भगवान मनाता है, तो अगर कोई विश्वास से मुझे कोई फोन करता है तो हीलिंग करके उसका परिणाम पाता है, जो कि आपको मालूम ही होगा। तो आप तो सिर्फ फोन के जरिए हीलिंग करते हैं या कोई आदमी आपके पास में बैठ के भी उसकी? नहीं, सामान्यतः अधिकतर अभी क्योंकि मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी है और मेरा फैमिली लाइफ भी है, तो मैं इन सबको मान लेकर मैं टेलीफोन पे ही हीलिंग देता हूँ। कि जैसे किसी को भी कोई दर्द हो, तकलीफ हो, मेरा फोन नंबर अपडेटेड रहता है, वो मुझे फोन करते हैं। उनकी तकलीफ, शारीरिक तकलीफ हुई तो मैं तत्काल फोन लेता हूँ। बाकी जिनकी शारीरिक तकलीफ नहीं है उनको मैं ईमेल से सजेस्ट करता हूँ कि ईमेल से अपनी प्रॉब्लम डाल दें। उसके बाद मैं जब भी मेरे फ्री टाइम रहता है तो मैं उनसे टच में आता हूँ। तो आपके पास लगभग रोज कितने फोन आते हैं और किस किस तरह की समस्याएं लोग आपसे? देखिए, फोनों की संख्या तो मैं नहीं गिन पाता हूँ क्योंकि मैं कुछ समस्या, तो आज की तारीख में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई तकलीफ लेके तो चल ही रहा है। अब उस तकलीफ में जब वो अकेला, उस वक्त कौन सी चीज उसके साथ देके उसको सहारा बनती है? जहां तक मेरे व्यक्तिगत हीलिंग सेशन में मेरे को अनुभव रहा कि मात्र 50-60% लोग मानसिकता, कोई चीज की कमी से परेशान रहते हैं, या तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के मारे परेशान रहते हैं। 30-40% एक्चुअली अपनी शारीरिकता के कारण परेशान रहते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा कि पहला सुख निरोगी काया, तो शारीरिक समस्याओं के फोन अधिक मेरे पास आते हैं। सामान्यतः वो प्रश्न भी आते हैं जो कि पारिवारिक रूप से परेशान है, दुखी है, तो मैं उनको, उनकी भी समस्या सॉल्व होती है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं समस्या को सॉल्व करने वाला नहीं हूं, मैं ही नहीं, कोई शक्ति है जो मुझे डिवाइन टूल के रूप में इस्तेमाल करके मेरे शरीर के द्वारा लोगों को राहत पहुंचा रही है। मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को मैं हील कर सकूं। आप बल्गारिया भी जा रहे हैं, वहां भी आपके हीलिंग सेशन? हाँ जी, हाँ। तो वहां किस तरह से आप हीलिंग देंगे लोगों को? देखिए, 7 तारीख को मैं बल्गारिया रवाना कर रहा हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन सिद्धांत योगा, उससे जुड़ा भी हूँ, उसने मुझे इन्वाइट भी किया है, जिसके लिए एक रिट्रीट का आयोजन किया गया है। वो 20 डेज का रिट्रीट है, उसमें बाहर के देशों से लोग आएंगे और विभिन्न विभिन्न समय पर
हम मॉर्निंग में उनको हीलिंग सेशन लेंगे, इवनिंग में हीलिंग सेशन लेंगे, कुछ मेडिटेशन सेशन लेंगे। तो ये मेरे लिए भी एक प्रकार का मेरा पहला अनुभव होगा, और मेरा पूरा विश्वास है हमारे देश की संस्कृति और देश का जो पहले भी हमारे जो वेदों का ज्ञान है वो मैं वहां तक पहुंचाने में सक्षम हूंगा। एक आपकी इच्छा है कि अंतरराष्ट्रीय हीलिंग डे मने, तो हाँ। इसके लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? मैं मेरा मानना है कि इंटरनेशनल हीलिंग डे एक होना चाहिए, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूं, और मेरे प्रयास ना मेरे प्रयास साथ ही अलग अलग मुल्कों के अंदर भी प्रयास किए जा रहे हैं कोई भी एक दिन को चयन करके, क्योंकि इसकी कुछ पेपरी कार्रवाई है, पर लेकिन मेरा एक सपना है, एक मेरा मिशन है कि इंटरनेशनल हीलिंग डे के ऊपर कुछ 5 या 10 मिनट का ऐसा प्रसंग हो जिसमें हम सब लोग जो शारीरिक रूप से पूरे आरोग्य हैं, हम सब लोग मिलकर उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें, उन व्यक्ति को हील करें जो शारीरिक तकलीफ में है और आपकी मदद चाहते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि क्योंकि मैं इस बात का पूरा मानता हूं कि अगर कोई चीज को आप चाहें अपने साथ अस्तित्व के साथ, तो पूरी प्रकृति पूरी डिवाइन आपका साथ देती है। तो भी हाल फिलहाल में मेरे पास 17 से 18 मुल्क ऐसे हैं जिन लोगों के अंदर जो अपना रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल हीलिंग डे में देना चाहते हैं, और आने वाला वक्त बताएगा कि मैं कब इस, मैं तो नहीं बाकी कोई करवा रहा है, तो मैं कब इस प्रयास में सार्थक हूंगा। ऐसे मेरा सोचना 11 सितंबर 2016 को मैंने पहला टारगेट किया है कि भले ही इंटरनेशनल हीलिंग डे वो सेलिब्रेट नहीं हो, लेकिन जो भी मेरे मुझसे जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने मुझसे हीलिंग ली और जो मुझे जानते हैं, वो सब लोग उस दिन एक नियत समय पर, क्योंकि GMT के हिसाब से चलना पड़ता है हमको, एक नियत समय पर सभी लोग प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए हील करेंगे, उन सभी लोगों को जो एक डिवाइन का पार्ट है।